about to name you. I will name you. You also, Gilaji, please. All of you take your seat. What is this? What is this? I am standing. Please. Supplementary. Ranjit Surjewala, Jairam Ramesh, Rajni Ashokrao Patil, Rajiv Shukla, Sri Ramji Lal Suman. सभापति महोदय, मैंने जो सवाल पूछा था कृषि मंत्री जी से, उसका बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिला है। और ये सरकार किसानों की समस्याओं से बच के निकलना चाहती है, किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है। रामजीलाल सुमन जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछिए। पूछ रहा हूँ सर। आप पूछिए सर। हमने पूछा ये था कि ये किसानों की समस्याओं पर 12 जुलाई 2000 को जो कमेटी बनी है, उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनकी कार्यसूची का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी, सर सर मैं पूछने दीजिए सर ने मुझे। पूछ लिया आपने। सर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो गंभीर आंदोलन हुआ 2021 में, 7,500 किसान मारे गए। रामजीलाल जी, आंदोलन की गंभीर। रामजीलाल जी, आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं और पर आप सबसे पुराने भी हैं। आप अपनी सप्लीमेंट्री पूछिए माननीय मंत्री जी से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस कमेटी, वो जो कमेटी बनी, उस कमेटी की 6 बैठकें हुई, उनका ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी, काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहां तक बैठिए, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को MSP उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यवहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं, लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री रामजीलाल सुमन। महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए, ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा? सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई देना देना नहीं। आप प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न पूछिए। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी MSP का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए आप, बचिए मत, कि आप MSP को कानूनी गारंटी कुछ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनो मोहि न पावा। सरकार का
माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आपको डिस्टर्ब करते हो माननीय सभापति। नहीं रामजीलाल जी एक बार बैठिए, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान है तो ऐसी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम है, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। माननीय सभापति महोदय, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस? ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाइंग, लेट हिम कंप्लीट। अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार। इन्होंने पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। रामजीलाल जी बैठिए, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री बोले, सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं, और भी विचार आवश्यक है उस पर। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम सनमुगम।
रणदीप सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। बैठिए, प्लीज 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 प्लीज, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर, अनबिकमिंग, अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर। प्लीज प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज 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 सिट डाउन, सिट डाउन। आपसे गुजारिश है, सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज, आस्क आस्क द मेंबर्स टू सिट डाउन। आई विल नेम यू, आई विल नेम बोथ ऑफ यू, आई विल नेम यू, डोंट डू इट, प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट योर सीट्स। रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, रजनी अशोकराव पाटिल, राजीव शुक्ला, प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सुनिए मेरी बात, बैठिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सर ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, आई हियर बाय नेम रणदीप सुरजेवाला, आई हियर बाय अबाउट टू नेम यू, आई विल नेम यू, यू ऑल्सो गिराज, प्लीज ऑल ऑफ यू टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई एम स्टैंडिंग, प्लीज, व्हाट इज हैपनिंग, एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुने आपका आसन देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप? आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए, आप भी चुप रहिए प्लीज। रजनी अशोकराव पाटिल, टेक योर सीट, प्लीज ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी ऑनरेबल मेंबर्स। भारत किसान प्रधान देश है, सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं नहीं, आपको किसान का कैखर नहीं पता है, नहीं पता, कैखर नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, सुनिए, बैठिए बैठिए, रणदीप रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है, किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए। ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहां गायब होंगे। माननीय माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है, उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे, पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते, आप बैठ बैठ ना, आई नॉट गिव परमिशन, आई नॉट गिव परमिशन, आई गिव परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली
विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं ज्यादा मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना।